शबरी से भी ज्यादा मेहनत की है मैंने बेर चुनने में। महादेव टेकड़ी है ही। Look at me. जय गणेश। अरे गणेश जी, आप कब पधारे यहाँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। नमः नमः। ओह माय गॉड डॉग, मुझे डर लगता है, पास मत आओ। पहले से काफी अच्छा डेवलप किया है। आई नो। श्री शिवशंकर देवस्थान विदर्भ महादेव टेकड़ी खसरमारी द्वारा आयोजित भव्य रक्तदान शिविर जीवन ज्योति ब्लड सेंटर नागपुर। रक्तदान करो, पुण्य का काम। सुंदर है। ये जगह पहले बिल्कुल निर्जन लगती थी, अभी काफ़ी डेवलप हुआ है। शायद इन्हें फंड्स भी अच्छे मिले होंगे। और नेचर की हम दोनों को बहुत ही फैसिनेशन है, तो ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही। ओम नमः शिवाय। सुंदर है मंदिर। सब जगह अभी यहाँ पे अष्ट विनायक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हे भगा मोरेश्वरा, श्री मोरेश्वर। आणि हा कुठला आहे? श्री सिद्धिविनायक। सुंदर। ये नंदी देखिए कितना प्यारा है। काफी मनोहर परिसर है ये। नागपुर के लोगों ने अवश्य आना चाहिए यहाँ पर। माझा वीडियो कर इकडे। कुरवाळते मी त्या नंदीला। शिवाचं वाहन आहे ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हा नव्हता ना नंदी तेव्हा बाबा, ते घेतलंय मी। फारच सुंदर आहे। लहान मुलं शौर्य वगैरे आला ना, ते याच्या पाठीवरच चढून बसतील आहेत, है ना? याच्या चलिए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय हनुमान। पाषाण आहे, पाषाणाचीच असली पाहिजे मूर्ती। सुबक सुंदर आहे। कॅमेरात किती येते माहिती नाही। ये कुआ है यहाँ पे, और एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि कुएं के पास मत जाइए। क्या मिस्टीरियस है, जाने दीजिए। हमें दर्शन तो हो गए सब अच्छे। मस्त वाटलं।
बी वॉचफुल, मिसेस देशपांडे संभल के उतरिए। काका चिडलेले असतात, त्यांना व्हिडिओ करा म्हटलो की त्यांना फारसं आवडत नसतं। असो, ती होमकुंडाची जागा आहे। काफी अच्छा लग रहा है सब देख के। शिव जी के लिए प्रसाद लेकर आएंगे कभी, बहुत अच्छा लगेगा। आणि हे मंदिराचं दुसरं दार, तो आमचा माणूस रागावलेला चाललाय। नागदेवता का स्तोत्र बोलेंगे। अनंतम वासुकीं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां। सायंकाले पठे नित्यं, प्रातःकाले विशेषतः। तस्य विषभयं नास्ति, सर्वत्र विजयी भवेत्। इति श्रीनवनागनामस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीनवनागार्पणमस्तु। एक तरफ साई बाबा है, एक तरफ गजानन महाराज जी है। गण गण गणात बोते, परिसर पिकनिक होऊ शकते, देवाचं दर्शनही होईल आणि पिकनिक पण होईल असं स्थान आहे। थोडीशी विचारपूस करावी लागेल, टंग ट्विस्टर झालं। देशपांडे, कसं वाटलं? चांगलं चांगलं आहे ना, येण्यासारखं। तर ते होऊन जात आहे आता, मग काकाला नाही करावं लागेल ना ते। आणि डायपर, सामने ग्राउंड आहे जहां पे क्रिकेट मॅच हो रही है। और ये बेर का पेड़ देखिए, इसके मोह से हम यहां पे आए हैं। चलिए बेर तोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। लतलाय झाड, मज्जा रानमेवा। चला मज्जा करूया आपण, मज्जा। हम पहुंच गए हैं घर और आपको ये रानमेवा दिखाते हैं, चलिए। आता करणार मजा। हा बघा,
हाँ याची बोर पाहिजे मेहनत करून तोडली आहेत मेहनत करून तोडली आहेत शबरी पेक्षा जास्त मेहनत केली आहे याला शेमडी बोर म्हणतात शबरी बोर शेमडी बोर नाही म्हणायची केव्हा तोडली तुम्ही आम्ही आता गेलो होतो शिवणगावच्या जंगलात आज तिथे तोडली चांगलाय चांगलाय का बोर Mm-hmm.